रेखा ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत सावन भादो फिल्म से की थी। शुरुआत में सांवली और थोड़ी मोटी दिखने वाली रेखा की पहली हिंदी फिल्म हिट साबित हुई। इसी फिल्म के सेट पर बॉलीवुड में पहली बार रेखा का नाम किसी के साथ जुड़ा और ये नाम था नवीन निश्चल का। रेखा की जिंदगी में नवीन निश्चल आए और चले गए। यहाँ से शुरुआत हुई रेखा की जिंदगी में प्यार के आने जाने की। रेखा की जिंदगी में अगला प्यार का मोड़ आया विश्वजीत के साथ। फिल्म दो शिकारी के दौरान रेखा का नाम विश्वजीत के साथ जुड़ा और चर्चा आई कि दोनों एक साथ काफी समय बिता रहे हैं, लेकिन ये समय था हिंदी सिनेमा और रेखा के उदय और विश्वजीत के कैरियर के डूबने का। और डूबती नैया पर कौन सैर करना चाहेगा, सो रेखा ने कश्ती बदल ली। विनोद मेहरा को रेखा की जिंदगी का असली प्रेमी कहा जाता है। विनोद मेहरा और रेखा एक दूसरे के प्रेम में इतना खो चुके थे कि उन्हें दुनिया जहां की कोई खबर ही नहीं थी। लेकिन विनोद की माँ को रेखा एक बहू के तौर पर पसंद नहीं थी। कहा जाता है कि दोनों ने शादी कर ली थी और जब विनोद रेखा को अपनी माँ के सामने लाए तो उन्होंने रेखा को घर से बाहर निकाल दिया। इस तरह विनोद से रेखा का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। कहते हैं सच्चा प्यार आपकी जिंदगी बना देता है, शायद रेखा की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रेखा की जिंदगी के बाकी प्यार भरे नगमों ने जहाँ उन्हें दर्द के सिवाय कुछ नहीं दिया, तो वहीं अमिताभ के साथ उनके अफेयर ने उनकी जिंदगी बना दी। अमिताभ तो रेखा के प्यार में पागल थे, लेकिन रेखा ने भी खुद को अमिताभ बच्चन के प्यार में पूरी तरह बदल दिया था। अमिताभ रेखा के लिए पारस साबित हुए। अभी मोटी और सांवली से दिखने वाली रेखा अमिताभ के प्यार में बॉलीवुड की सबसे सुंदर अभिनेत्री के तौर पर उभरी। अमिताभ पर अपने हुस्न का जादू चलवाने के लिए रेखा ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। कई फिल्मों की सफलता के साथ इस जोड़ी ने बुलंदी का वो शिखर छुआ जिसे आज भी लोकप्रियता का इतिहास माना जाता है। अमिताभ बच्चन जरा से खुद को अलग नहीं कर सके, इसे रेखा से उन्हें अलग होना ही पड़ा। रेखा की जिंदगी का एक अहम किस्सा बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल भी हैं, जिन्होंने रेखा से शादी की, लेकिन शादी के एक साल बाद ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि मुकेश बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्होंने रेखा के दुपट्टे से ही फांसी लगा ली थी। जिंदगी के सफर में यूं तो सभी को हम सफर मिले। रेखा को हमेशा एक प्यार की जरूरत थी जो उन्हें संभाल सके, जिसके साथ वो घर बसा सके, लेकिन ऐसा ना हो सका। जब धर्मेंद्र और हेमा की शादी हो गई तब रेखा ने सोचा था कि शायद अमिताभ के साथ उनकी भी शादी हो जाएगी, पर हुआ इसके विपरीत ही। जया की वजह से ही अमिताभ ने रेखा को हमेशा के लिए छोड़ दिया था।